पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इनर्सिया के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि इनर्सिया जो है किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आखिर किसी बॉडी है उसके पास जो इनर्सिया होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच इनर्सिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। तो देखिए, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास एक मैसिव बस है, मान लीजिए इतना बड़ा एक ट्रक है, और उस बड़े से ट्रक को आपको धक्का देना है। अब इस बड़े से ट्रक को अगर आप धक्का देना चाह रहे हो तो इसको धक्का दे करके इसको मोशन में लाना है आपको, तो इसको धक्का देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका जो ट्रक है इसको अगर मोशन में लाना है तो इसको धक्का में धक्का देने के लिए जब आप फोर्स लगाओगे तो एक जब बड़ा सा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसी के जगह पे अगर आपके पास कोई छोटा सा साइकिल है, मान लीजिए आपके पास ये एक साइकिल है, अब इस साइकिल को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसको छोटा सा फोर्स करते हो तो ये साइकिल आगे बढ़ जाता है। मतलब इसको क्या है कि कम फोर्स लगाना पड़ा, इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। ऐसा क्यों है? ज़्यादा फोर्स लगाने पे इसके रेस्ट के कंडीशन को चेंज कर पाए। मतलब क्या है कि हर बॉडी क्या चाहता है, अपने रेस्ट या मोशन के कंडीशन को बनाए रखना चाहता है। तो इसका क्या है कि रेस्ट का कंडीशन कब चेंज होगा? जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, और इसमें कम फोर्स लगाने पे इसका रेस्ट का कंडीशन चेंज हो गया, या फिर मोशन का भी कंडीशन कम फोर्स लगा करके चेंज कर सकते हैं साइकिल का। और बस के लिए ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। आपको पता चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा, समझ लीजिए कि उसका इनर्सिया का कंडीशन भी ज़्यादा रहेगा। जैसे अगर ये मूव कर रहा होता और फिर आपको रोकना पड़ता इसको, तो आपको बहुत हाई फोर्स लगाना पड़ता तब ये रुकता। और ये मूव कर रहा होता, इसको रोकना पड़ता आपको, तब आप इसको छोटे से फोर्स से ही रोक सकते थे। मतलब ये हुआ कि इनर्सिया जो है वो फैक्टर जो है, मास है जो कि जिस पे इनर्सिया डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर इनर्सिया उस बॉडी के मास के कारण होता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्सिया होगा। तो लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग लिखेंगे, कौन सा वो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर है आपका मास। लिखेंगे द इनर्सिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिसके पास हेवियर मास होगा मोर इनर्सिया होगा, जिसके पास कम मास होगा उसका इनर्सिया कम होगा। इसी कारण से आप देखते हो कि छोटी चीज़ों को आप धक्का देकर आसानी से उसके मोशन के कंडीशन को चेंज कर देते हो, लेकिन जो भारी चीज़ होता है, भारी ऑब्जेक्ट होता है, उसको धक्का दे करके आप जल्दी उसके मोशन के कंडीशन को चेंज नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो रेस्ट के कंडीशन में है। तो रेस्ट के कंडीशन में ही रहना चाहता है और रहता भी है, क्योंकि आप उतना फोर्स नहीं लगा पाते हो जितना उसको चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास जितना ज़्यादा मास होगा उसके पास इनर्सिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं कि द इनर्सिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। हेवियर मासेज हैविंग मोर इनर्सिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। लाइटर ऑब्जेक्ट से मतलब हल्का जो ऑब्जेक्ट्स है उससे ज़्यादा जो होता है इनर्सिया होगा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का, भारी भारी ऑब्जेक्ट का। मतलब इस पे इनर्सिया डायरेक्टली डिपेंड्स कर रहा है कि मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा जो होगा वो इनर्सिया होगा। और इनर्सिया हम लोग पढ़े हैं कि मोशन के कंडीशन जो है उसको कंटिन्यू रखना। रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और इस कंडीशन को आप चेंज करना चाह रहे हो तब आपको एक्सटर्नल कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तो हम लोग इस चैप्टर में तीनों ही लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है इसको, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिखिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। मतलब ये कहता है ए बॉडी एट रेस्ट रिमेंस एट रेस्ट और इन मोशन रिमेंस इन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपने मोशन के कंडीशन को नहीं चेंज कर सकता है। जैसे देख लीजिए, ये एक बॉल है और ये बॉल रेस्ट में है, जब तक कि इस पर कोई फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, मान लीजिए कि बैलेंस फोर्स लगा दिए दोनों तरफ से, तो क्या इसका मोशन का कंडीशन चेंज होगा? नहीं होगा। मोशन के कंडीशन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स यानी कि कोई एक फोर्स या लगाए अनबैलेंस फोर्स, तब ये जाकर के मोशन का कंडीशन इसका चेंज होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कार है। अब ये कार मूव कर रहा है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। अब इसमें एक्सेलरेशन जब तक नहीं आएगा जब तक कि अनबैलेंस फोर्स लगे। मान लो कि कोई आदमी इधर से 10 न्यूटन से इसको रोकने की कोशिश कर रहा है और दूसरा आदमी 10 न्यूटन से इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा है और ये कार खुद 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहले ही चल रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और कार का जो स्पीड है कभी चेंज नहीं होगा। मतलब कार का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा, इसी वेलोसिटी से कार आगे चलता रहेगा। तो ये जो कंडीशंस है ये बता रहा है कि किसी भी कंडीशन को, किसी भी मोशन के कंडीशन को चेंज करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत है। एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए और अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी किसी बॉडी के अंदर उसके मोशन में चेंजेज आएगा, और मोशन में चेंजेज यानी कि वेलोसिटी में चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो किसी भी बॉडी में तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। मतलब ये एक बात और हमें प्रोवाइड कराता है, इफ़ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन ए बॉडी then there will not be any acceleration in the body, ठीक है। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, बैलेंस फोर्स अप्लाई हो गया 20 मीटर पर सेकंड से कोई चक्कर जा रहा है और दोनों तरफ से 20 मीटर पर सेकंड से दबाइए, दोनों तरफ से फोर्स लग गया, तो अभी भी तो क्या होगा कि 20 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा अगर दोनों तरफ से 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिए तो, क्योंकि ये दोनों फोर्स बैलेंस कर लेगा एक दूसरे को। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तो किसी भी उसके मोशन के कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता है, निर्मम हत्या होगा इसका। चलिए तो अब लिख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं, इसको मिटा दें, आपको हो गया। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है फोर्स का डिफिनीशन। कैसे? तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का कंडीशन चेंज करना है, आपको कोई रेस्ट में है बॉडी उसको मोशन में लाना है, क्या करोगे आप? आप बोलोगे कि सर फोर्स लगाना होगा। किसी भी मूविंग बॉडी को रोकना है आपको क्या करना होगा? आपको वहाँ पे फिर से फोर्स लगाना होगा। तो कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी के मोशन के कंडीशन को चेंज करता है, और यही चीज़ तो लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही देता है कि जब तक फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक मोशन का कंडीशन
चेंज नहीं होगा, यानी कि मोशन की कंडीशन आप चेंज करना चाहते हो तो आप फोर्स लगाइए, यानी कि कोई भी बॉडी का अगर मोशन का कंडीशन चेंज हुआ है तो समझिए वहाँ पे कौन अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का डिफिनीशन देता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स, मोशन गिव्स डिफिनीशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ से फोर्स का जो नया डिफिनीशन हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज द कंडीशन ऑफ, चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब फोर्स वो एजेंट है, फोर्स वो एजेंट है, यहाँ से ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा, फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी बॉडी के मोशन के कंडीशन को चेंज कर सकता है, मतलब कोई चीज़ रुका हुआ है उसको चला सकता है और चलते हुए चीज़ को रोक सकता है, ये कौन है, ये फोर्स है। तो ये एक फोर्स का डिफिनीशन हो गया। अब इनर्सिया को हम लोग बोलते थे कि किसी भी कंटिन्यू करना मोशन के कंडीशन को, लेकिन इनर्सिया चेंज कब होगा, इनर्सिया कब चेंज होगा किसी भी बॉडी का, जब तक कि फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम लोग आएंगे सेकेंड लॉ में, पढ़ेंगे फोर्सेज के बारे में, फोर्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, और आपके सिलेबस में है लीनियर मोमेंटम। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको हम लोग मिटाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे लीनियर मोमेंटम। चलिए लीनियर मोमेंटम देखिए क्या होता है। लीनियर मोमेंटम इसको हम लोग प्यार से पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, देखिए किसी भी बॉडी का जो मोशन का इफेक्ट होता है वो मोमेंटम बताता है। मोशन का इफेक्ट का मतलब हुआ कि हम अपने हाथ को यहाँ पे रख लिए और एक बॉल से स्ट्राइक कराए इस हाथ पे। अब मान लीजिए उस बॉल से धीरे से आएगा तो इस हाथ पे इफेक्ट धीरा पता चलेगा, लेकिन अगर उस बॉल की स्पीड बढ़ा दिए तो बताइए इस हाथ पे इफेक्ट जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर मान लीजिए धीरे से आपको कोई बच्चा एक पत्थर मारा, आपको चोट लगा, कोई बच्चा अगर तेज मारेगा तो आपको क्या कितना चोट लगेगा, उस कंडीशन में इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे टीचर आपको थप्पड़ मारते हैं, धीरे से मारते हैं, धीरे से इफेक्ट होता है, जब खींच के दिए जोर से काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ, तो वहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि इफेक्ट जो है मोशन का वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ मोशन। दूसरा चीज़ देखिए, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि दूसरा कंडीशन है, एक छोटे से बॉल से आपके हाथ पे मारा जा रहा था, अगर एक बड़ा सा बॉल से मारा जाए, भारी बॉल से, मतलब बड़ा नहीं भारी कह सकते हैं, जिसका मास ज़्यादा है, उससे पीटा जाए, तब क्या होगा, आपको छोटा पत्थर से कोई बच्चा मारा, एक बड़ा सा पत्थर से लेकर मारा, उसी वेलोसिटी से, मान लीजिए वेलोसिटी सेम रहा, मतलब जिस वेलोसिटी से आपको पहली बार मारा था उसी वेलोसिटी से मारे, लेकिन जो मास है वो बढ़ गया। अब इस बार क्या होगा, आपको इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। अरे भाई, पहले टीचर थप्पड़ मारा था, उसके बाद अब क्या करे, वो मुक्का मारे आपको खींच के, तो इस बार मास बढ़ा दिया गया, मान लीजिए कि मास बढ़ा दिया गया तो फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो फिर से बढ़ जाएगा। तो जो इफेक्ट होता है बॉडी के मास और उसके मोशन के कारण, उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता है किसी इफेक्ट, इसको बोल सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन, मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मोमेंटम क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन, मोशन का जो इफेक्ट होगा किसी भी बॉडी पे उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड हुआ, अभी हम लोग देखें मास पे और वेलोसिटी पे, यानी कि मास बढ़ा देंगे किसी चीज़ का तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी भी बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो दोनों ही चीज़ पे, ये दोनों फैक्टर है जिस पे आपको मोमेंटम डिपेंड करता है, और इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है मोमेंटम। मतलब लीनियर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यही चीज़ आपको इफेक्ट कैसे बताएगा ये हम लोग देख लेते हैं।
जैसे यहाँ से मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम का डिफिनीसन हो गया मास इनटू वेलोसिटी। अब इसको आप लोग शॉर्ट में मतलब फॉर्मूला इसको लिख सकते हो P इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि एम वी। यहाँ से किसी बॉडी का मास बढ़ेगा तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। जैसे आपको वो पत्थर वाला एग्जांपल अभी बताए हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी पे और मोमेंटम पे, मास पे डिपेंड करता है मोमेंटम। तो अगर फैक्टर्स पूछा जाए कि फैक्टर्स बताइए, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, तो हम लोग दो फैक्टर लिख सकते हैं। एक है मास, जैसे ही मास को बढ़ाइएगा मोमेंटम बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ाने से भी मोमेंटम बढ़ जाता है किसी भी बॉडी का। अब देखिए इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं कि किस तरह से मेजर करेंगे। अरे ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो इफेक्ट देता है मोशन का, तो ज़रूर इसका कोई ना कोई मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं और इसका एसआई यूनिट बनाया गया होगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या है देख लीजिए, मास का क्या होता है एम फॉर मास मतलब के जी, और स्पीड का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, अच्छा लीनियर मोमेंटम हम बार बार लीनियर मोमेंटम ऐसा नहीं बोलेंगे, हमारे सिलेबस में तो लीनियर मोमेंटम ही है, तो इसीलिए हम लोग इसको सिंपल मोमेंटम बोल सकते हैं। तो जब भी कभी अगर आपको पूछा जाए लीनियर मोमेंटम तो डिफिनीशन यही लिखोगे, और मोमेंटम भी पूछा जाए तो यही लिखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। एंगुलर मोमेंटम क्लास 11th के सिलेबस में है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। अभी देखिए तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मास का एसआई यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इस मोमेंटम का क्या हो जाएगा एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। अब बात है कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बॉल जब आपको लगा था तो एक फिक्स डायरेक्शन में आप खड़े होंगे तभी तो आपको बॉल लगेगा। मतलब मान लीजिए आपका दोस्त किसी बॉल से आपको फेंक करके मार रहा है तो आपकी तरफ ही मारेगा तभी आपको चोट लगेगा, अगर दूसरे डायरेक्शन में फेंक दिया तो थोड़ी लगेगा। मतलब डायरेक्शन ज़रूरी है, अगर मोमेंटम आपको इफेक्ट पता करना है तो डायरेक्शन ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पर आपको इफेक्ट पता करना है और हम इधर फेंक दिए, इधर कहीं फेंक देंगे तो इस पर इफेक्ट थोड़ी मिलेगा। मतलब इसके लिए एक डायरेक्शन फिक्स हो गया कि इधर ही वेलोसिटी होना चाहिए, और इधर वेलोसिटी होगा तभी इफेक्ट मिलेगा। इसका मतलब इसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जिसके पास फिक्स्ड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या बोल दिया हम, याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन फिक्स है ना बच्चों, जिसका भी डायरेक्शन फिक्स होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि आप किसी की तरफ मोशन का इफेक्ट देखना चाहते हो तो उस मोशन का इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, जैसे टीचर थप्पड़ मार रहा था तो आपके तरफ मारेगा तभी तो आपको लगेगा, दूसरे को मारा तो उधर लगेगा, मतलब दूसरे डायरेक्शन में मारा तो इसलिए इफेक्ट को हम लोग एक फिक्स डायरेक्शन है, इसीलिए हम लोग मोमेंटम को क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम को हम लोग कह सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मोमेंटम को हम कह सकते हैं बच्चों, दूसरे भाषा में मोमेंटम को जो अभी हम आपको समझाएं उसी तरह से कह सकते हैं कि मोमेंटम किसी भी बॉडी के इफेक्ट के बारे में बताता है, मोशन के इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो मोमेंटम रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के मोशन के इफेक्ट को मोमेंटम जो है वो बताता है। अब इसका सिंपल आप इसका कर सकते हो, देखिए कैसे कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को होल करके इसमें कुछ बालू भर देते हैं पूरा, और इस होल को टेप से चिपका देते हैं, ठीक है। और एक दूसरा बॉल लेते हैं सेम मास का और उसको कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ पे कुछ बालू रखते हैं ऐसे,
और दोनों को इस हाइट से, इक्वल हाइट से इस दोनों बॉल को ले जा करके बारी बारी से गिराएंगे, तो देखेंगे कि कौन कितना इसके बालू के अंदर धंस रहा है। तो जब आप इसको गिराओगे ना तो ये कम धंसेगा, लेकिन इसको गिराओगे तो ज़्यादा धंसेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मास के कारण, इसका मास बढ़ गया ना, इसमें बालू भर दिए तो मास के कारण यहाँ पे मोमेंटम इफेक्ट जो है बालू पे ज़्यादा था, मास के कारण इफेक्ट ज़्यादा था। अब देखिए, अब क्या किए, इसको यहीं से गिराएं और इसको कुछ ऊपर से गिराएं, कुछ हाइट, इसका 10 गुना हाइट ऊपर से गिरा दिए। अब क्या होगा देखिए, अब ये ज़्यादा अंदर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन काम करता है ग्रेविटी का, और उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, यानी कि वो काफ़ी हाई स्पीड से आएगा। इसी कारण से इस बार इफेक्ट इसका ज़्यादा था, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा हुआ, यानी कि दोनों चीज़ पे डिपेंड कर गया, मास और वेलोसिटी। ये सिंपल है, इससे आप समझ सकते हो इस एग्जांपल से कि ये इफेक्ट बताता है किसी बॉडी के मोशन का। तो ये बॉडी मोशन में था, उसका इफेक्ट बताया मोमेंटम। अब मोमेंटम जब वेक्टर क्वांटिटी है तो बताइए इसका क्या कोई डायरेक्शन होगा? हाँ बिल्कुल होगा डायरेक्शन। मोमेंटम अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक डायरेक्शन भी फिक्स है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन के तरफ। जैसे वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, ये हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ मोमेंटम। अब इसमें पूछा जाए कि ये एरो क्यों लगा दिए सर, तो बच्चों क्लास 11th में आप पढ़ोगे कि वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो बताता है, एरो कहीं भी लग गया, किसी के सर के ऊपर लगा दिए, ये एक डायरेक्शन को फिक्स कर देता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब बॉडी जिधर, वेलोसिटी जिधर हो रहा है बॉडी का, जिधर मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बॉडी। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है कि आप बोलेंगे कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बताइए उसका डायरेक्शन कहाँ है, तो भाई जिधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम इधर फेंक रहे हैं तो मोमेंटम भी इधर ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो इसी तरह से डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो चलिए, मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी भी है, लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज़ ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्व क्वांटिटी का मतलब हुआ इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, मोमेंटम को ना बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, मोमेंटम को चेंज किया जा सकता है लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। मान लीजिए किसी बॉडी के पास मोमेंटम है, अब मोमेंटम तो आप समझ चुके हो तो मोमेंटम निकाल भी सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए इस वॉल के पास कुछ मोमेंटम 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब इस बॉल, ये बॉल जा करके एक रुके हुए बॉल से टकरा गया, इस बॉल से टकरा गया, और टकराने के बाद इसका जो वेलोसिटी हो गया इस रुका हुआ बॉल का, इसको हो गया 20 किलोमीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये बेचारा जीरो हो गया टकराने के बाद। मान लीजिए रुक गया, ये चलने लगा। अब आप बोलोगे कि सर आप तो अभी बोल रहे हो कि मोमेंटम कंजर्व क्वांटिटी है, तो यहाँ कंजर्व कहाँ है मोमेंटम, तो कंजर्व है मोमेंटम। देखिए कैसे, इस बॉडी का, इस ए बॉल का मोमेंटम यहाँ पे टकराने के बाद इस बी के पास ट्रांसफ़र हो गया है। मतलब कंजर्व क्वांटिटी के बारे में आप पढ़े होंगे, कंजर्व क्वांटिटी जो कंजर्व रहती हैं उन, वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र ज़रूर हो सकती है। तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गया है, ए का मोमेंटम किस में चला गया है, बी में चला गया है। तो मोमेंटम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र हो गया है बी बॉडी में। तो कह सकते हैं मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। हाँ, मोमेंटम को चेंज किया जा सकता है। अब चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, चेंज करने के लिए क्वेश्चन है कि मोमेंटम को चेंज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए कैसे चेंज किया जा सकता है, चलिए चलिए तो हम लोग अब पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हम लोग पढ़ लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। चेंज को हम लोग फिजिक्स में डेल्टा से दिखाते हैं। अब चेंज है तो डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। मतलब यहाँ ये सिंबल आपको कहीं मिल जाए फिजिक्स में तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है चेंज।
और डेल्टा पी दिया है, इसीलिए चेंज किस में होगा, मोमेंटम में। तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कोई बॉडी के पास मान लीजिए कि पहले से मोमेंटम है कुछ और उसका मोमेंटम चेंज करना है। जैसे एक समझ लेते हैं, समझ लीजिए कि एक यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और ये कार आपको 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इस कार का कुछ मास है समझ लीजिए 50 kg। 50 kg तो नहीं होगा, मान लीजिए इसका मास है 150 kg, ठीक है, छोटा कार है 150 kg का है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम फिक्स है। अब आप चाहते हो कि 20 मीटर पर सेकेंड से, अब यहाँ पे कुछ मोमेंटम इसका फिक्स हो गया, अगर यहाँ का मोमेंटम निकाले तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी 150 × 20 करोगे तो इसका मोमेंटम निकल जाएगा 33,000 kg/s, ये मोमेंटम है इस केस में। और मान लीजिए कि एक कार जो है चलते चलते, इसका हमें चाहिए कि कुछ देर के बाद हमने देखा कि इस कार का जो, यही कार लगना चाहिए आपको, हाँ, तो इस कार का यहाँ पे स्पीड बढ़ के हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो वही रहेगा 150 kg ही रहेगा, यहाँ का मोमेंटम बताइए क्या हो जाएगा, एम भी, यानी कि 150 × 30 4500 kg/s। अब बताइए यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो गया, और चेंज इन मोमेंटम अगर पूछा जाए आपको कि निकालिए, तो चेंज इन मोमेंटम कहीं भी चेंज निकालना होगा तो आपको पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया गया है कि कहीं चेंज निकालना चाहिए, जैसे चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है या चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन याद रखिए, चेंज इन वेलोसिटी तो क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। कि कहीं भी अगर फिजिक्स में आपको चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कि अभी 10 रुपीज़ है और थोड़े देर के बाद आपके पास 50 रुपीज़ हो गया, हम बोले कि कितना पैसे में चेंज हुआ आपका, तो आप क्या बोलोगे कि 50 - 10 यानी 40 रुपीज़ का चेंज हुआ। और मान लीजिए 10 रुपीज़ है आपके पास और थोड़े देर के बाद आपके पास 5 रुपीज़ हो गया, 5 रुपये का आप चॉकलेट वगैरह कुछ खा लिए तो आपके पास 5 रुपीज़ हो गया। तो इस बार अगर चेंज पूछे तो आप क्या बोलिएगा, अब इस बार आप बोलिएगा फाइनल 5 - 10 यानी कि -5 रुपीज़ का चेंज हुआ है आपको, मतलब 5 रुपये का घाटा हुआ है आपको इस बार। तो इसीलिए चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखिएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या है, P2 है -P1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से लिखते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि फाइनल में से, अब इसमें से घटा दीजिए 3000 को तो पता चल जाएगा कि 1500 kg/s का चेंज हुआ है मोमेंटम में। तो चेंज इन मोमेंटम कहीं भी निकालना हो तो बच्चों ये याद रखना कि क्या कर देते हैं हम लोग, जस्ट फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं, और जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन मोमेंटम किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद किसी बॉडी का आप कैसे कर सकते हो मोमेंटम का कॉज, चेंज होने का कॉज क्या है। देखिए कॉज क्या होगा, कॉज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होने का क्या कारण है। अब मान लीजिए उस कार का जो अभी हम बताए हैं जिसका 20 से 30 स्पीड हो गया, तो अपने आप तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगा होगा। मान लीजिए कार को छोड़िए भाई, कार को छोड़ देते हैं, ये बॉल है और ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, आप चाह रहे हैं कि ये बॉल रुक जाए। अब आप देखते रहोगे तो नहीं रुकेगा, मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है तो देखते रहोगे तो रुकेगा नहीं रुकेगा। या फिर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड करना है, आप देखते रहोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा नहीं, आप बोलोगे कि सर इस पे धक्का दे देंगे इधर से, मतलब फोर्स अप्लाई कर देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मास तो फिक्स है, मान लीजिए मास जो है बॉल 10 ग्राम का है तो मास यहाँ भी 10 ग्राम है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, फोर्स लगाने के कारण। तो कॉज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स, अगर कहीं भी फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
कॉज ऑफ चेंज फोर्स ही जो है इज द, और कैसा फोर्स, अनबैलेंस यानी कि बैलेंस फोर्स लगा दिए, किस इधर से भी लगा दिए 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो कुछ नहीं होगा। तो अनबैलेंस फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और बच्चों यही सेकेंड लॉ है चेंज ऑफ मोमेंटम, कितना मोमेंटम में चेंज हुआ यही सेकेंड लॉ बताता है। और मोमेंटम में जितना चेंज होगा जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 20 करना होगा तो 20 के इक्वल यहाँ पे फोर्स लगाना होगा, अगर यहाँ पे 30 करना रहता तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। चलिए अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों? यह है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट, अप्लाइड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी का अगर आप मोमेंटम चेंज करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स अप्लाई किए हैं। ये कहना चाहता है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज को, क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल्टा पी बोल सकते हैं बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा पी बोल सकते हैं। अब इसी की मदद से हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो डेल्टा पी का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलिए तो इस पूरे डेरिवेशन को हम लोग, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के डेरिवेशन को हम लोग कर लेते हैं। ये आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहना चाह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम का, मतलब मोमेंटम में उतना ही चेंज होगा जितना आप फोर्स अप्लाई कीजिए। फोर्स ज़्यादा तो मोमेंटम में चेंज भी ज़्यादा, फोर्स कम तो चेंज इन मोमेंटम भी कम, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। चलिए तो प्रूफ हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए कोई बॉडी है, मान लीजिए उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी भी मान लेते हैं, और वेलोसिटी फोर्स अप्लाई होने पे ही तो चेंज हुआ होगा। और मान लीजिए ये टाइम t लग गया तो क्या क्या चेंजेज होगा, देखिए इफ़ इनिशियल, मान लीजिए लेट ए बॉडी हैविंग मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर अप्लाइंग फोर्स f, इट्स वेलोसिटी चेंजेज टू v इन टाइम t सेकेंड में ये चीज़ें होता है। मतलब देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है और इसके पास मास m है, थोड़ा देर के बाद इस पर फोर्स अप्लाई होता है, तो जब t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होकर भी हो जाता है, मास तो चेंज नहीं होगा, मास अभी भी m ही है, और ये पूरा चेंज होने में बच्चों टाइम लगता है टी टाइम का मतलब हुआ, मान लीजिए टी यहाँ पर जीरो था और यहाँ पर टी वन इक्वल टू कुछ भी हो गया, टाइम मान लीजिए t1 हो गया,
तो टी वन में से जीरो को घटाएंगे तो टी आएगा, यही मान लीजिए कि टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, यही तो टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 10:20 हो रहा था और यहाँ पे 10:30 हुआ, तो टाइम कितना हुआ, इसमें से इसको घटाओगे तो सिंपल होता है T2 - T1। अगर यहाँ का टाइम T1 रख देते हैं और इसको T2 रख देते हैं, तो T2 - T1 किसके बराबर है, T के बराबर है। अब क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, P2 - P1। अभी थोड़ा देर पहले बताया है चेंज इन मोमेंटम, तो बच्चों P2 क्या है, यहाँ पे मोमेंटम 2 मान लीजिए, ये मोमेंटम 2 है, तो P2 का वैल्यू क्या है, m × v। अच्छा यहाँ पे P1 का वैल्यू क्या है बच्चों, P1 का वैल्यू m × u, यही तो है। और कितना टाइम लगा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कह रहा है कि टाइम टी लगा है, तो टी टाइम में यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में ले लेंगे T2 - T1। अच्छा T2 - T1 क्या है बच्चों, यही तो टाइम लगा है, टी टाइम, तो यहाँ पे लिख देंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 - P1 अपॉन टी टाइम। अच्छा P2 को क्या लिख सकते हैं, जो दिया है वैल्यू लिख देंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv - mu अपॉन टी, ये लिख सकते हैं बच्चों। चलिए ये दिख रहा है, चलिए अब इसके बाद mv - mu/t हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को कॉमन ले लीजिए, अंदर में बच गया v - u/t। अच्छा इसको आप क्या बोलते हो, याद होगा आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m × a, यहाँ से आया m × a। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत बार आएगा। इसका मतलब यह होता है कि फोर्स बढ़ाने से ये दोनों क्वांटिटी बढ़ेगा। अब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है बच्चों, इक्वल का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि फोर्स है, मान लीजिए कि फोर्स 20 N है और m × a का वैल्यू आ रहा है 10, अगर फोर्स को 40 कर दिए तो ये भी बढ़ के 20 हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर हम फोर्स को 60 कर दिए तो ये भी बढ़ के 30 हो जाएगा, लेकिन क्या ये इक्वल है, नहीं। अब इक्वल करने के लिए आपको किसी न किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट है 2 और 2 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वल हो रहा है, उसी तरह से यहाँ हम हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। जैसे मान लो कि आप कहीं गए एप्पल ख़रीदने के लिए मार्केट में, और आपको जो तराजू दिया गया वो तराजू कुछ इस तरह से था, ये नीचे था और ये ऊपर था, और बोला कि चलिए आपको एप्पल देते हैं, आप लोगे, आप बोलोगे कि नहीं पहले इक्वल कीजिए, आप जानते हो कि इधर अगर रखेगा तो इधर वजन इसको रखना पड़ेगा, फिर भी अगर दोनों बराबर नहीं है तराजू का पल रहा तो आप क्या बोलोगे कि नहीं भाई इसको इक्वल कीजिए तभी हम लेंगे सामान, नहीं तो हम ठगे जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग इक्वल करने के लिए वो क्या करेगा, एक छोटा सा मास लेकर आएगा, कुछ रख देगा यहाँ पे, और रखेगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा और उसके बाद आप ले सकते हो। अब ये इक्वल हो गया, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक मास रखा था कॉन्स्टेंट, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इक्वल करने के लिए कोई कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और मान लीजिए कि ये कांस्टेंट के आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिए k × m × a। यहाँ पे k कहाँ से आया है, इसको हटाए हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। अब सुनिए ध्यान से, अब पहली बार जब कभी भी आप किसी फिजिक्स के अंदर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं, ठीक है, पहली बार कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 ले लिया जाता है। अब क्यों ले लिया जाता है समझिए ध्यान से, फोर्स पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फोर्स को मान लेंगे 1 N, मास ले लेंगे 1 kg और एक्सेलरेशन 1 m/s², तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। लेकिन हर बार ये नहीं करेंगे, एक बार फोर्स को इंट्रोड्यूस कर लिए, इसके बाद जब भी फोर्स आएगा तो फोर्स का वैल्यू तो हमें पता चल गया है, तो इसलिए वहाँ पे k का वैल्यू 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब अब फोर्स किसी भी फार्मूला में आएगा और वहाँ पे कोई नया क्वांटिटी नहीं रहेगा तो वहाँ पे फार्मूला में हम लोग 1 नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे नया क्वांटिटी आया है ना, फोर्स का डिफिनीशन हम बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, इसीलिए यहाँ पे k का वैल्यू 1 लिया जाता है, ये फिजिक्स का रूल है। ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आप सोचिए ध्यान से कि क्या आप सबसे शुरुआत में जब ये दुनिया बना था तब 1 kg ऑब्जेक्ट कोई भगवान थोड़ी आके दिए थे कि लीजिए ये आज से 1 kg है, हम किसी न किसी एक मास को मान लिए थे कि ये 1 kg है,
समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से पहला बार जब हम फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग वन मान लेंगे, ठीक है। और वह वन कैसे माने, जब फोर्स को वन न्यूटन मान लिया गया, मास वन के जी एंड एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखेंगे वेन एफ इक्वल टू वन न्यूटन, मास इक्वल टू वन के जी एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन को हम लोग ले लेते हैं वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वन के, ये वन इंटू वन, तो के का वैल्यू क्या आ गया वन। अब इस के का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, तो के वैल्यू की जगह पे वन पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। यही है हमारा फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स का जो फॉर्मूला आया एफ इक्वल टू एम ए, यही फॉर्मूला है। SI यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, SI यूनिट न्यूटन होता है, और कहाँ से आता है, इसको क्या लिखेंगे मास को किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम लोग एक नाम दे दिए न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी किया था, तो इसीलिए इसको न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया रहे और वहाँ पे न्यूटन दिया रहे, तो आप न्यूटन को लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए के का वैल्यू, कॉन्स्टेंट का वैल्यू वन ले लिए। अब यहाँ से जो फॉर्मूला एक्सेलरेशन आता है, इसका रिलेशन इनर्सिया के साथ भी है बच्चों, देखिए कैसे है, इसका हम लोग रिलेशन इनर्सिया के साथ भी पढ़ते हैं, और समझिए कि कैसे पढ़ा जाता है इनर्सिया के साथ इसका रिलेशन। देखिए F इक्वल टू एम ए है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कि किसी बॉडी में नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स जीरो, F नेट लिख देते हैं, जीरो हो गया नेट फोर्स किसी बॉडी में जीरो। मतलब नेट फोर्स जीरो कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा, कैसे होगा, आप जानते हो, इधर से F फोर्स लगा दिए और इधर से भी F फोर्स लगा दिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो ये बैलेंस हो गया और F नेट इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। शुरुआत में ही पढ़े थे, अगर F1 और F2 दोनों इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में F नेट क्या हो जाता है, जीरो। बच्चों जब F नेट जीरो होगा तो जीरो इक्वल टू एम इंटू ए, मास तो जीरो हो नहीं सकता है बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मास जीरो हो सकता है क्या बच्चों, नहीं, तो एक्सेलरेशन ही तो जीरो होगा। तो यहाँ से जब एफ नेट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा, और यही तो इनर्सिया का कंडीशन था कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं अप्लाइड हो उस पर एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यही आपको क्या है, दोनों में रिलेशन है कि जैसे ही फोर्स जीरो हुआ यहाँ से रिलेशन भी जीरो हो गया। मास तो जीरो नहीं होगा, किसी भी बॉडी का मास जीरो हो सकता है क्या, मास जीरो नहीं हो सकता है, तो एक्सेलरेशन ही जीरो होगा। और यही तो कह रहा था कि किसी बॉडी में जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। मतलब मूव कर रहा है, मान लीजिए मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करते रहेगा जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और कैसा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एफ नेट जीरो जो है बैलेंस फोर्स है, तो बैलेंस फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो। तो ये वेरीफाई करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कि अगर किसी बॉडी पे अगर एफ नेट जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से जीरो पुट करने से एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाता है। तो ये वेरीफाई करता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वेरीफाई करता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट में लिख लेते हैं, इफ़ एफ नेट ऑन ए बॉडी इज जीरो देन acceleration is also zero, this verify first law of motion, law of motion को ये verify करता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सर second law of motion पढ़ाएँ, इसमें आप बताइए कि second law of motion का application क्या क्या है। तो बच्चों application तो हम लोग next class में पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि second law of motion से हमें क्या मिलता है। तो देखिए नोट में एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का कैलकुलेशन देता है। आप कितना फोर्स लगा रहे हैं इसको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता था, डिफिनीसन,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या दे रहा है, कैलकुलेशन। अभी थर्ड भी देखेंगे, वो भी कुछ देगा। लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन गिव्स कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है, फोर्स का कैलकुलेशन देता है। चलिए बच्चों, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए इसको। चलिए।